हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूँ। जैसा कि सारे बच्चे टेंशन में थे, 12th के बच्चे और 10th के बच्चे, कि उनके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो बच्चों 10th वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल ही हो गए हैं। लेकिन 12th वाले हैं जो, उनको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि उनके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए हैं, पोस्टपोन्ड हो गए हैं। आगे उनको नई डेट मिलेगी और उनके एग्ज़ाम दोबारा किसी नई डेट के बाद, जब थोड़े से कोरोना के केस का ग्राफ थोड़ा नीचे चला जाएगा और कोरोना के केस देश में कम आने लग जाएंगे, तब 12th के बच्चों के एग्ज़ाम होने पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों? और जो 10th वाले बच्चे हैं, उनको जो भी उन्होंने अब तक एक्टिविटी की हैं, जो भी स्कूल में प्री बोर्ड या थोड़े यूटी और जो भी पेपर उनके फर्स्ट टर्म के हुए थे, उन्हीं के आधार पर उनको पास किया जाएगा। और जिन बच्चों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, 10th के बच्चों के लिए स्पेशल बता रही हूँ, जिन बच्चों को लगेगा कि उनके जो नंबर थे वो थोड़े ज़्यादा आने चाहिए थे और स्कूल ने जो उनको नंबर दिए हैं या बोर्ड ने जो उन्हें नंबर दिए हैं वो कम है, तो उन बच्चों को दोबारा से अपने एग्ज़ाम करने के लिए एक मौका और दिया जाएगा। वो चाहें तो दोबारा अपना फॉर्म भर करके अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब 10th के बच्चों के लिए तो यही खुशखबरी है कि वो अब 11th में पहुंच जाएंगे और उनको बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। पर 12th के बच्चों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा है कि उनको नई डेट शीट मिलेगी कुछ समय बाद, जब ये सिचुएशन थोड़ी हैंडल होने लग जाएगी, थोड़े केसेस कम आने लग जाएंगे, तो 12th की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और ज़रूर होंगी। ठीक है बच्चों? क्योंकि 12th का बोर्ड तो ये है कि बच्चे इसको, मतलब पूरा कैरियर डिपेंड करता है बोर्ड के, 12th के बोर्ड पर। ठीक है? तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई जारी रखें और आगे आपको मौका मिलेगा, आपके अवसर आएंगे, आपको भविष्य बनाने का, सुनहरे भविष्य का पूरा पूरा मौका मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनकी परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, यानी कि अब उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ओके बच्चों? और 1 जून तक आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो बोर्ड की जो डेट है, पेपर्स की जो बोर्ड की डेट शीट है, वो भी शायद 12th वालों की आ जाएगी। ओके? 10th वाले बच्चों के लिए अब उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी 11th क्लास की पढ़ाई अपनी जारी रखें, ये सोचें कि उन्हें आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है ना? इस बात पर ध्यान दें। तो और 12th वाले बच्चे अपनी आगे की प्रिपरेशन जारी रखें और इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें, अपनी तैयारी पूरी रखें। ओके बच्चों? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।